कोटा शहर के गंज रोड पर दूध डेयरी के अपोजिट टीवीएस शोरूम के बिल्कुल पीछे एवन कंस्ट्रक्शन के प्रोप्राइटर जनाब अब्दुल वहाब आपके लिए बिरला कंपनी के ब्लॉक्स लेकर आए हैं। अब्दुल वहाब ने आपको इन ब्लॉक्स की खासियत बताते हुए कहा, ये ब्लॉक्स ईंट के मुकाबले 50% वेट कम रखते हैं। इन ब्लॉक के इस्तेमाल में आपको सीमेंट और रेती का इस्तेमाल भी नहीं होगा, सिर्फ एक केमिकल और इन ब्लॉक्स के इस्तेमाल से आप काफी खूबसूरत घर बना सकते हैं। गुलबर्गा शहर के कई इंजीनियर्स एवन कंस्ट्रक्शन से बिरला ब्लॉक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। कॉलम बिल्डिंग के अलावा लोड बेयरिंग घरों के लिए भी ये ब्लॉक्स काफी फायदेमंद साबित हो रहे हैं। ईंट रेती सीमेंट की महंगाई को देख अब हर कोई बिरला ब्लॉक से अपना घर बनाना पसंद कर रहे हैं। अगर आप भी बिरला ब्लॉक्स खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर गंज रोड दूध डेयरी के अपोजिट टीवीएस शोरूम के पीछे एवन कंस्ट्रक्शन ऑफिस को विजिट कर सकते हैं। अब्दुल वहाब, जो मेरी ऑफिस है, ब्लॉक्स की ऑफिस है, जो बिरला ब्लॉक्स का मैं काम करता हूँ, पिछले 8-10 साल से काम करता हूँ मैं ये, तो अब ये 2-3 सालों में अवेयरनेस आया ब्लॉक्स का। ये ब्लॉक्स क्या बोलते हैं, ऐश के ब्लॉक्स हैं, ये एकदम लाइट वेट हैं, ईंट के मुकाबले में आधे 50% इनका वज़न है, और इसमें जो है ना रेती सीमेंट वगैरह, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये पूरा कंस्ट्रक्टेड एरिया है जिसको क्यूरिंग लगती, ये कंस्ट्रक्टेड एरिया ब्लॉक्स का है जहाँ पर क्यूरिंग नहीं लगती, ओनली केमिकल लगता है। तो अब मैं जैसा कि इंजीनियर से वगैरह जो भी यूज़ करें मेरे, तो वो लोग बहुत प्रमोट करें मेरे को, बहुत हेल्प करें। मेरे हिंदू भाई भी, जो भी मुस्लिम भाई, जो जो इंजीनियर्स हैं, ये लोग तमाम जो है ना बहुत कोऑपरेट करें मेरे को पिछले 2-3 साल से, और कोविड से पहले, बीच में कोविड में बंद था ये ब्लॉक्स का। तो अब मैं तमाम इंजीनियर से, तमाम जो लोग हैं जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो मैं उनको इनवाइट करता हूँ मेरे ऑफिस पे, आकर मटेरियल देखे, क्वालिटी देखे, रेट्स देखे, ठीक है। तो मैं तमाम इंजीनियर से रिक्वेस्ट करता हूँ, और जो जो वर्क कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन का या प्राइवेट अपना घर भी बना ले रहे हैं, तो उनको वर्कआउट होता है और इकोनॉमिकल, बहुत इकोनॉमिकल गिरता है ये, छत पे वज़न नहीं गिरता। और लोड बेयरिंग के ऊपर अगर आप रूम बनाना चाह रहे हैं तो बना सकते हैं, वो तो बहुत ईजी है, लोड बेयरिंग के ऊपर तो बहुत अच्छे रूम्स बना सकते हैं आप। तो मैं तमाम इंजीनियरों से, तमाम लोगों से जो हेल्प करे, शुक्रिया अदा करता हूँ, और तो मैं उन तमाम लोगों को इनवाइट करता हूँ। ये मेरा जो ऑफिस है, ये दूध डेयरी के सामने गंज में, रिलायंस पेट्रोलियम से पहले टीवीएस शोरूम है, वो टीवीएस शोरूम के पीछे मेरा ऑफिस और गोडाउन है। तो आप मेरे को आगे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और मेरा नंबर भी है, मेरा नंबर 9886527861 है, और मेरे एग्जीक्यूटिव्स हैं, सेल्समैन हैं। अगर आप फ़ोन भी करके मेरे को भेज रहे हैं तो मैं एग्जीक्यूटिव्स को भेजता हूँ, दे विल कन्विंस, यानी वो मटेरियल भी बताते हैं, ब्लॉक्स भी बताते हैं, और आपको कन्विंस भी करते हैं कैसा वर्कआउट होता बोल के। तो मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और गुलबर्गा हार्डलैंड्स का ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। 2 फीट का है, तो ऐसे 4 इंच के ईंट टोटल 5.5 से 6 इंट आते हैं इसमें, तो ये 4 फीट में, तो ये 2 फीट बड़ा लंबा आता है, 8 इंच ऊंचा आता है, और 4 इंच छोटा आता है चौड़ाई में, तो टोटल 6 इंट एक ब्लॉक में पकड़ते हैं। इसका रेट की वजह से इकोनॉमिकल है ये, और क्यूरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डायरेक्ट इंटीरियर लगा रहे हैं तो डायरेक्ट आप वॉल पुट्टी भी लगा सकते हैं इसको, गिलावा भी करने की ज़रूरत, आउटर है तो गिलावा करने की ज़रूरत है इसको। ये हमारा गोडाउन है, इधर भी है, पीछे भी है, तो इसके अंदर 6 इंच, 4 इंच, 6 इंच, 8 इंच और 9 इंच आते हैं। ये बिरला एयरकॉन का है, बिरला कंपनी, और ये ब्रांड है, इसकी क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी है, जो आजकल जो यूज़ कर रहे हैं लोग, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स, बड़े बड़े मॉल्स में यूज़ हो रहे हैं ये। तो ये गोडाउंस हैं, और गुलबर्गे में 9 से 10 पॉइंट्स हैं मेरे, राम मंदिर जैसा, हागरगा, आज़ादपुर, और MS की मिल, हर एरिया में एक पॉइंट है मेरा, वहाँ से अगर थोड़ी क्वांटिटी पिकअप करना चाह रहे हैं तो वहाँ से पिकअप कर सकते हैं, पूरा लोड बुक करना चाह रहे हैं तो आप बुक कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि लोग जो है ना ये ब्लॉक से अवेयरनेस आ जाना, क्योंकि जितने चीज़ें आज रेती महंगी हुई सो है, सीमेंट महंगा हुआ सो है, तो इसमें एक 70 पीसेस में एक केमिकल का बैग लगता है 40 किलो। इसके बेनिफिट्स क्या है बोले तो, अगर आप इसको रीयूज़ करना चाह रहे हैं, अगर आप एक रूम बनाए उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, तो सेम आइटम यूज़ कर सकते हैं आप। जैसा ईंट का तोड़े तो पूरा मलबा निकलता है, तो उसको फेंकना करना बहुत चीज़ें हैं, लेकिन आप इसकी दीवार बनाए, फिर दीवार 5 फीट पीछे रखना चाह रहे हैं, तो उसको फिर तोड़ के उसको थोड़े कॉर्नर्स वगैरह जाते हैं, लेकिन फिर दीवार बना सकते हैं आप। और इसके अंदर जो मटेरियल है नहीं, हाई क्वालिटी है, ऐश वगैरह की हाई क्वालिटी, और इसका वज़न 7 किलो है।